प्लीज सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल में बेल भी दबाएं मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। My name is Nalini and welcome to my kitchen. कल मैंने बनाया था सोया चाप स्टिक, आज मैं उसी सोया चाप स्टिक से सोया चाप करी बनाने जा रही हूँ, आसानी से और रेस्टोरेंट स्टाइल बनाने जा रही हूँ। जब मेरे बेटे ने उसको खाया तो बोला मम्मा इट्स वेरी यम, तो अब वो वेरी यम जो है आपका बच्चा आपके पति भी बोलेंगे। तो आइए देखते हैं ये मैंने झटपट तरीके से कैसे बनाया। उसमें सबसे पहले डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच ऑयल। मैंने यहाँ ऑलिव ऑयल यूज़ किया है, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल यूज़ कीजिए, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। गरम हो जाने पे तेल में थोड़ा सा डालें जीरा, तेज पत्ते, मैंने यहाँ सिर्फ 2 छोटे तेज पत्ते यूज़ किए हैं, दालचीनी स्टिक, ये है बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, जावित्री की छोटी सी स्टिक मैंने यूज़ की है, यहाँ पर मैं खड़ी लाल मिर्च डाल रही हूँ, 1 डाला है मैंने, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 3-4 लौंग और इसमें डालेंगे 2 प्याज, ये 2 प्याज के मैंने बड़े बड़े स्लाइसेस कर लिए हैं, इसको थोड़ा सा मिक्स कर दीजिए, 4 लहसुन के बड़े बड़े टुकड़े हैं उसको भी डालेंगे। और इसके तुरंत बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर, मैंने 3 बड़े टमाटर लिए हैं, इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम 1/2 ग्लास पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। इसके अलावा इसको ढकने से पहले इसमें डालेंगे हम ये कसूरी मेथी, और इसी स्टेज पर डाल देंगे ताकि इस पानी में सारा फ्लेवर आ जाए। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, पानी बहुत ज़्यादा नहीं करें, हमें इसको ही पकाना है ताकि इस पानी के अंदर सारा फ्लेवर आ जाए। उसके बाद जब ये थोड़ा पक जाएगा 5 मिनट के बाद हम इसको ठंडा करके ग्राइंड कर लेंगे। अब इसको हम मीडियम टू लो आँच पर 5 मिनट पक जाने देंगे, 5 से 7 मिनट। फ्रेंड्स ये सोया चाप स्टिक है, इसका वीडियो आप मेरे नीचे दिए हुए लिंक पे देख सकते हैं कि ये मैंने अपने घर पे कैसे आसानी से बनाया है। और यकीन मानिए बहुत आसान तरीका है, कुछ ही मिनटों में आप बहुत सारा सोया चाप आसानी से घर पे बना सकते हैं। जब तक हमारे ये मसाला तैयार हो रहा है तब तक हम सोया चाप स्टिक को शैलो फ्राई कर लेते हैं। एक पैन लेंगे, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, मैंने यहाँ 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है, और इसमें हम क्या करेंगे स्टिक को आराम से इस तरीके से डाल देंगे। आप चाहें तो ये स्टिक आसानी से निकल जाती है, आप इसको निकाल के भी डाल सकते हैं। अब इसको हम दोनों साइड से सेलो फ्राई कर लेंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि हमको इसको ब्राउन नहीं करना है, हल्का गोल्डन कलर ही लाना है। साइड से ये मैंने पका लिया है, ये हो गया है, और गैस करेंगे बंद। अब ये देखिए फ्रेंड्स ये भी तैयार हो गया है, अच्छे से मिक्स कर देंगे, गैस बंद कर देंगे, थोड़ा ठंडा करने के बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे, पेस्ट बना लेंगे। ये सारी चीज़ें अब हम ग्राइंड करेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए पेस्ट तैयार है, आप चाहें तो इसको जो है छन्नी से छान भी सकते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि गरम मसालों का सारा टेस्ट इसके अंदर है और ये कुछ मीट जैसा बनता है। वेजिटेरियंस के लिए ये बहुत अच्छा एक सब्स्टिट्यूट है, मैं इसको ऐसे ही यूज़ करूँगी, मैंने इसका बहुत महीन पेस्ट बनाया है। जिस तेल में हमने शैलो फ्राई किया था सेम उसी पैन में थोड़ा सा तेल हमारा बचा हुआ है, उसके अंदर ही हम डालेंगे थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, ध्यान रखेंगे मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, और कश्मीरी लाल मिर्च हमेशा तेल में मिक्स करेंगे। उसके बाद हम उसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, हम डालेंगे ये तकरीबन 1.5 चम्मच, और इसके बाद ऐड करेंगे ये पेस्ट हमारा टोमेटो अनियन लहसुन का पेस्ट, और इसको देंगे एक अच्छा सा मिक्स। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर भी आया है, इस तरीके से मिक्स करेंगे और इसको 3 से 4 मिनट अच्छे से पका लेंगे, जब तक कि ये अपना ऑयल खुद छोड़ने नहीं लगे पैन। 5-7 मिनट हो गया है और अब हम इसको लगातार चलाते रहेंगे, अदरवाइज हमारी सब्जी पकड़ लेगी नीचे करी। हमारा मसाला अच्छे से कुक हो चुका है, अब इसमें डालेंगे नमक। नमक हम बहुत सूझबूझ के साथ डालेंगे क्योंकि हमने जो सोया चाप बनाया था उसमें ऑलरेडी नमक है, नमक डालें स्वाद अनुसार। अगर आपको सूखी सोया चाप की सब्जी बनानी है तो इतनी ही ग्रेवी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी सी ग्रेवी अच्छी लगती है तो मैं इसमें डालूंगी 1/2 कप गुनगुना पानी। याद रखें गुनगुना पानी ही डालें, करी की सब्जी में कभी भी नॉर्मल ठंडा पानी ना डालें, उससे उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। और इसके बाद हम ऐड करेंगे सोया चाप स्टिक, आप सोया चाप स्टिक को काट भी सकते हैं, इसमें ये जो लगा हुआ है आइसक्रीम स्टिक इसको निकाल करके आप छोटे छोटे भागों में इसको काट सकते हैं। इस तरीके से डाल करके इसको हम देंगे एक अच्छा सा मिक्स, और 5 मिनट के बाद इसको ढक करके 5 मिनट और पकाएंगे। 5 मिनट के बाद इसकी करेंगे हम प्लेटिंग।
हमारा सोया चाप रेडी हो गया है। हमने इसकी करी को बहुत ज्यादा पतला नहीं रखा है। अब गैस बंद करेंगे और इसकी प्लेटिंग करेंगे। इस तरीके से हम अपने सोया चाप्स को इस तरीके से लगा लेंगे और इसके ऊपर गार्निश करेंगे थोड़ा सा, ये क्रम्बल पनीर है, आप चाहें तो चीज भी डाल सकते हैं। यम यम सोया करी इज रेडी नाउ। ये देखिए, हमने सोया चाप स्टिक भी घर पे बनाया और ये सब्जी भी बनाई हमने। इतनी बढ़िया देखिए देखने में लग रही है, खाने में भी बहुत टेस्टी और यमी है। करी इज वेरी यामी एंड हेल्दी टू। बच्चों को खिलाइए, बड़ों को खिलाइए, सभी को खिलाइए प्यार से। अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ हमेशा के लिए जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के बगल में जो बेल है उसे जरूर प्रेस कीजिएगा। अभी के लिए आपकी नलिनी इजाजत चाहती है, नमस्कार। प्लीज सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल में बेल भी दबाएं मेरे साथ जुड़े रहने के लिए।